मेरे जेलम कुकिंग वाइफ 09 में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए रेसिपी नहीं लाया हूँ, या मतलब कोई खाने वाली चीज की रेसिपी नहीं सिखाऊंगा आपको। आज दोस्तों मैं सिखाऊंगा आपको तंदूर जो हमारा डैमेज हो जाता है या टूट जाता है, जैसे रोटी नान आपके गिरने लगते हैं या तंदूर की जो दीवारें हैं वो टूटने लग जाती हैं, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो उन दरारों को ठीक करने के लिए हमने तंदूर में मसाला लगाना ही सिखाऊंगा। किस तरीके से आपने तंदूर का मसाला बनाने से लेके और लगाने तक का पूरा बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, आप ध्यान से देखना, स्किप मत करना, ताकि स्किप आपने स्किप करके देखा और आप किसी चीज में आप भूल गए, आपने कुछ देखा नहीं, मिस हो गया आपसे, और आप फिर बोलोगे यार शेफ नायब ने सिखाया नहीं है ना, तो आप लोग मुझे गालियां दोगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है दोस्तों। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे पालक लिया है, ये है 2 किलो पालक, जिसको मैंने बॉइल करके या ब्लांच करके इसको पेस्ट तैयार करके रखा है। 1 किलो गुड़ लिया है यहाँ पे, ठीक है। 1 किलो गुड़ के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे मैंने, ये है हमारी चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी को मैंने दोस्तों हाथ से, जैसे आप आटा गूंथते हैं नॉर्मली घर में, उस हिसाब से मैंने इसको गूंद के रखा हुआ है। उससे भी मतलब हल्का, ज्यादा पतला गूंदना है आपने इसको, ज्यादा टाइट नहीं गूंदना इस मिट्टी को, क्योंकि जो मिट्टी, ये मिट्टी है जो, इस मिट्टी का जो लेप लगाएंगे हम सबसे पहले तंदूर में, क्योंकि तंदूर का ये जो मेन चीज है वो है जो तंदूर के अंदर की जो दरारें हैं, वो गड्ढे हमने पहले भरने हैं, वो मिट्टी से भरने हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा मैं इसमें एक और अपना सीक्रेट वो तैयार कर रहा हूँ, इसमें कि डालूंगा इसमें, ये है उड़द दाल। उड़द दाल को दोस्तों मैंने इसको कम से कम 12 घंटे भिगा के रखा हुआ था, और भिगाने के बाद आपने इसको हाथ से इस तरीके से अच्छी तरीके से रगड़ना है और इसके छिलके निकाल देने आपने, ठीक है दोस्तों। इसमें कम से कम छिलके रखने आपने, ठीक है। तो अब मैं इसको भी क्या करूंगा दोस्तों, मिक्सी से इसको पीस के इसका एक पेस्ट तैयार कर लूंगा। उड़द दाल जो होती है दोस्तों, इसके अंदर बहुत चिपक होती है, लेशपन ज्यादा होता है इसमें, और इससे हमारे जो तंदूर जो है वो अच्छा, और तंदूर की जो मिट्टी है उसमें चिपकाने में इसका बहुत अहम रोल होता है इस दाल का। इसलिए आप इस रेसिपी को, मेरे इस तरीके को जरूर ट्राई करें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं पहले आपको तंदूर की कंडीशन दिखाता हूँ कि किस तरीके की कंडीशन हो तब आप ये मसाला आप तंदूर में लगा सकते हैं। वैसे बेसिकली तंदूर में हम मसाला क्यों लगाते हैं, जब हमारी जो तंदूर की जो मिट्टी है वो मिट्टी गिरने लगती है, या जो हम रोटी नान जो भी हम लगाते हैं वो चिपकने की वजह झड़ते हैं आप, या तंदूर से गिरना चालू हो जाते हैं, तब आप क्या करते हैं इस पे मसाला लगाते हैं हम लोग। ये है दोस्तों तंदूर, आप इसमें देख रहे होंगे जो ये हल्के हल्के से गड्ढे से आ रहे हैं, इसमें दरारें आ गई हैं ये तंदूर में, और ये रोटी भी इतना वो नहीं कर रहा है, रोटी मतलब चिपक रही है इसमें, लेकिन दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो अब मैं ये दरारें जो भरने के लिए, सबसे पहले ये गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं, इसमें मैं मिट्टी जो मैंने आपको दिखाई थी चिकनी मिट्टी, उसका लेप लगाऊंगा। इस पालक के जो मसाला बना रहे हैं तंदूर के लिए, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले अब आपने क्या डालना है इसमें, सरसों का तेल, ठीक है दोस्तों। ये है सरसों का तेल, सरसों का तेल आपने डालना है। डालना इसमें पालक का पेस्ट, जो हमने पालक को पीस के रखा हुआ था, ठीक है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, पालक का पेस्ट डालने के बाद जो ये गुड़ हमने जो रखा हुआ था, गुड़ को भी आपने इसमें डाल देना है और इसको पकाना है, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ आपने क्या डालना है इसमें, नमक डाल दो आप इसमें, नमक, नमक से भी तंदूर में अच्छा पकड़ आता है, और नमक और काला नमक मैंने दोनों डाल दिया इसमें, और गुड़ डाल दिया है। और दोस्तों जो मैंने जो दाल दिखाई थी ना आपको, वो दाल को पीस के कुछ इस तरीके से आपने पेस्ट तैयार कर लेना है दाल का, और वो भी आपने इसमें डाल देना है, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होता है कि आपके तंदूर में बहुत ही अच्छी पकड़ बन जाती है, और जो मिट्टी होती है मिट्टी को अपने अंदर खींच के रखता है इसको, मतलब एक तरीके से मिट्टी को चिपका के रखता है, बाहर नहीं आने देता है। ये जो उड़द दाल है, आपने देखा होगा कि जो पहले की जो पुल वगैरह जो बनते थे ना, पुल में चूना और ये मिला के फूल तैयार किए जाते हैं, इस दाल के अंदर इतना लेशपन होता है, इतनी पकड़ होती है। तो आपने इसको, और अब हमने क्या करना दोस्तों, इसको पकाना है।
अच्छी तरीके से आपने उसको पका देना है। तो दोस्तों ये हमारा पक चुका है, रेडी हो चुका है। अब ये हम इसको तंदूर के अंदर लगाएंगे। तंदूर की जो दीवारें हैं दोस्तों, जो ये आप हमारा तंदूर है, जो अब जो मिट्टी हमने यहाँ पे मिट्टी को हमने गोंद के रखा हुआ था, तो अब हम जो ये हमारे तंदूर के अंदर जो ये दरारें पड़ी हुई है ना, जो गड्ढे हैं, इस हम पहले मिट्टी से इसको भर लेंगे। उसके बाद जो पालक, गुड़ और उड़द दाल का जो हमने मसाला तैयार किया, उसके बाद हम उस मसाले को लगाएंगे। ठीक है, आप वैसे आप चाहें तो इसको पूरे तंदूर में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं जहां जहां पे हमारे गड्ढे हो रखे हैं वहां पे हम इसको अप्लाई कर देंगे। काम मैंने बहुत कर लिया, थक गया हूँ, मेरे बालों से पता चल रहा होगा आप, और फेस देखिए लगा रहे होंगे आपकी, ये तंदूर में कितना मेहनत कर रहा है आज हमने। मिट्टी से आपने दरारें बननी है और उसके बाद आपने इस मिट्टी को आपने उससे प्लेन कर देना है। ठीक है दोस्तों, और प्लेन करने के बाद आप हमने क्या करना है, इसमें मिट्टी को सूखने देना है। सूखने के बाद आपने पालक का और गुड़ का जो पेस्ट बनाया था हमने, उड़द दाल को मिक्स करके, वो पेस्ट अब हमने इस पे लगा देना है। ठीक है दोस्तों, लगाना कैसे है तो आइए आपको दिखाता हूँ। आपने एक इस तरीके से कपड़ा ले लेना है, पोचा लेना है, और उसको आपने इस पालक के पेस्ट में आपने इसको डिप करना है ऐसे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपने डिप करना है अच्छी तरीके से। और ये पेस्ट आपने अब तंदूर पे लगा देना है। ये हमारा मसाला जो है हमने बनाया था, वो हमने तंदूर की पूरे चारों ओर लगा दिया है। आपको इसे ढंग से नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से ये मसाला हमारा लग चुका है। और अब हमने क्या करना है दोस्तों, इसको पकाना है। पकाना क्या है कि अब हमने इसमें कोयले डालने हैं और इसको एक आध दिन पकाना है हमने इसको, जब ये मसाला पूरी तरीके से पक जाएगा उसके बाद आप इसमें रोटी नान लगाना चालू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,